Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing all good at home. And अभी ये जो time है, your term one exams are coming for class 10th and 12th. आज की वीडियो 12th के लिए आपके term one exams बहुत नजदीक है, तो आप लोगों के लिए quick revision Hello Alkane, Hello Herrings के preparation of Hello Alkanes. इसका फर्स्ट वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. पहले तो आप वो गो थ्रू करो. इसका इंट्रोडक्शन जिसमें बेंजाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलो एल्केन किसको बोलते हैं, आप पहले वो वाला वीडियो जरूर देखिए. प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की वीडियो देखिए, उसके बाद आज वाली वीडियो, क्योंकि वो दोनों वीडियो भी आपकी, क्योंकि टर्म वन सिलेबस में, टर्म वन जो एग्जाम आ रहा है आप लोग का एमसीक्यू बेस्ड, उसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी होंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये वाला होगा कि ऑप्शन ये वाला. तो एक जरूरी नहीं कि एमसीक्यू है तो आप तुक्के ही लगाओगे. तो गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा आपको एकदम सिलेबस को, जैसे पढ़ते थे वैसे ही आपको एक बार उसको क्विक रिविजन अच्छे से बढ़िया से करनी पड़ेगी. तो आप आज एनसीईआरटी बुक जल्दी से दौड़ के लेके आ जाइए, पॉज वीडियो को पॉज करके एक नोट कॉपी पेन साथ में रखो. मैं जो जो लिखवा रही हूँ वो साथ में करते हैं. तो कीप द जोश हाई बिकॉज योर एग्जाम्स आर कमिंग. स्टे काम, स्टे क्वाइट, स्टडी हार्ड टिल द एग्जाम्स आर ओवर. उसके बाद भी टर्म टू है, बट एटलीस्ट थोड़े दिन हम रिलैक्स कर सकते हैं. तो मैं भी आज आप लोगों को एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का प्रिपरेशन नंबर टू, जिसमें किया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ, हम लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन, किसकी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ आरएक्स, हेलो एल्केन्स और एरिन्स, हेलो एरिन्स. आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे, अगर आपको ये भी नहीं पता हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स क्या होता है तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखो. क्या मेरी राइटिंग क्लियर है? ओके, वेरी गुड. वॉइस क्लियर है? वेरी गुड. तो कमेंट कर दो सब कुछ ठीक है मैम. तो फिर प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन, हैलोएल्केन्स में हम लोग फर्स्ट अल्कोहल से कर चुके हैं. नंबर वन अल्कोहल से हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका वीडियो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स निकालो, उसको देख के आओ. आज हम लोग करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन किससे बनाएंगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन से क्या बनाएंगे, हैलो एल्केन हैलो एरिन बनाएंगे. अब हाइड्रोकार्बन होता क्या है, हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोजन और कार्बन, एच सी, जिसमें भी एच सी है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोप्रोपाइल, आइसोपेंटाइल, कुछ भी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. तो इससे हम लोग हैलो एल्केन बनाएंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाना. इसका मैकेनिज्म का नाम है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ब्रैकेट में करते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, क्योंकि ये प्रोसेस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से फॉलो करता है. पेज नंबर 286 पेज निकाल लीजिए आप. 10.4.2 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन जो लिखा हुआ है उसका बी वाला देखिए, इसमें लिखा हुआ है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, सॉरी ए, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन. तो ये फ्री रेडिकल प्रोसेस से जाएगा. होना क्या है, इसमें लिखा हुआ है फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन गिव कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हैलो एल्केन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस, दिस मींस दैट अगर हम लोग एक कोई भी आवाज आ रही है, अगर हम लोग ये एक एल्केन ले लें, 1, 2, 3, 4 कार्बन, दिस इज ब्यूटेन, ब्यूटेन, दिस इज एल्केन, एल्केन, ठीक है, इयररिंग नहीं है, सिंगल बॉन्ड एल्केन, सिंगल बॉन्ड एरिफेटिक कंपाउंड है ब्यूटेन. इस ब्यूटेन में अगर हम लोग इसमें क्लोरीन भी ऐड कर सकते हैं, ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हैं. क्लोरीन ऐड करना है तो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूवी लाइट या सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट, लाइट की प्रेजेंस में होगी और हीट. अगर ये दिया हुआ है ब्यूटेन के संग ये वाला, तो इसमें क्या है, ये क्लोरीन इसमें ऐड होगा. कहाँ कहाँ ऐड होगा क्लोरीन, इसमें क्लोरीन इसमें ऐड कहाँ होगा, 1, 2, 3, 4 कार्बन आर देयर, फर्स्ट और ये वाला
इसको फर्स्ट होने तो ये फोर्थ, ये फर्स्ट है तो ये फोर्थ। इनमें अगर क्लोरीन ऐड होता है तो इनका एनवायरमेंट सेम है, चाहे क्लोरीन यहाँ ऐड हो चाहे क्लोरीन यहाँ ऐड हो, जहां पे भी क्लोरीन ऐड होगा वो तो वन क्लोरो बन जाएगा। तो यह दोनों पे ऐड करने से सेम ही एनवायरमेंट है क्लोरीन का, और इन दोनों पे ऐड करने से सेम एनवायरमेंट है क्लोरीन का। सो दो पॉसिबल है क्लोरीन का ऐड होने का। कहां कहां क्लोरीन ऐड हो सकता है? एक तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड किया। तो दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फ्री रेडिकल द्वारा बनता है, फ्री रेडिकल के थ्रू बनता है, जिसमें लास्ट हाइड्रोजन देखो रिप्लेस बाय क्लोरीन, और प्लस ये कर दो चाहे ये कर दो बात एक ही है। तो यू गेट अ मिक्सचर ऑफ सी, तो व्हाट इज दिस, वन क्लोरोब्यूटेन टू क्लोरोब्यूटेन। अगर इधर से भी करते तो ये वन क्लोरोब्यूटेन आता, इधर करते तो भी टू क्लोरोब्यूटेन। तो दो ही हम लोग को सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन मिल सकता है, एक क्लोरोब्यूटेन एक टू क्लोरोब्यूटेन। तो दिस इज व्हाट टेलिंग इन दिस कंपाउंड, कि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ हैलो एल्केन मिलेंगे। ठीक है, मिक्सचर मिलेगा जिसमें से एक का एल्ड ज्यादा होगा एक का एल्ड कम होगा, यानी एक की क्वांटिटी ज्यादा में मिलेगी एक की क्वांटिटी कम में मिलेगी। अब चूंकि ये फ्री रेडिकल के थ्रू जाता है तो फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी है, फ्री रेडिकल बेस्ट स्टेबल किसमें होता है, फ्री रेडिकल बेस्ट स्टेबल होता है 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। फ्री रेडिकल बेस्ट स्टेबल होता है 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। तो क्लोरीन को यहाँ स्टडी करो, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो कितना डिग्री है, 1 डिग्री। अब यहाँ पर स्टडी करो, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितना डिग्री है, 2 डिग्री। तो विच इज मोर स्टेबल, 1 डिग्री और 2 डिग्री? 2 डिग्री, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसके भीतर जो मैकेनिज्म बन रहा है उसमें 2 डिग्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री ये बना, तो ये मिक्सचर ऑफ बन रहा है। सोचो और मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ, देखें स्क्रीन में सब कुछ क्लियर दिख रही है ना, वेरी गुड। तो ये लिख लो, नंबर 1, नंबर 2 CH3 होल 2, ये आप लोग का एग्जाम्पल 10.2 में दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है कि ये कंपाउंड में कितने पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इसमें कितने पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर बन सकते हैं अगर इसमें हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हैलोजनेशन करें। तो इसमें अगर हम लोग क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट देते हैं तो कहाँ कहाँ क्लोरीन ऐड हो सकता है, मैं डस्टर ला रही हूँ तब तक सोचिए। तो कहाँ कहाँ ऐड हो सकता है, ऊपर वाला फिलहाल काम नहीं आ रहा है, कहाँ कहाँ ऐड हो सकता है पॉज करके बताओ, और एनसीईआरटी बुक देख के आंसर मैं कॉपी डाउन कर देना, समझ के करना है एग्जाम आ रहा है। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं पूरा ओपन करके लिखूं तो CH3CH, 2 CH3 जुड़ा हुआ है इस कार्बन के संग, पास में एक CH2 एक CH3। ठीक है, तो इसमें एक ऐड हो सकता है, इसमें एक ऐड हो सकता है, ओके, और इसमें एक ऐड हो सकता है नीचे, इसमें या इसमें दोनों का एनवायरमेंट ये सेम है, यहाँ चाहे यहाँ हो, मैं स्टार कर देती हूँ जिनका एनवायरमेंट सेम है, इसमें या इसमें दोनों में से कहीं पे भी ऐड हो बात एक ही है, और एक इसमें ऐड हो सकता है। तो देर आर 4 पॉसिबिलिटी, ये और इन दोनों में से किसी में भी ऐड कर दो। क्यों बच्चा ये दोनों सेम क्यों है, क्योंकि ये भी CH3 से जुड़ा हुआ है, ये भी CH3 से जुड़ा हुआ है, इसके आगे भी सेम चीज है, इस CH3 के आगे भी सेम चीज है। तो दीज 2 कार्बन हैव सेम एनवायरमेंट, सो अगर इन दोनों पे क्लोरीन जुड़ता है तो दोनों सेम ही चीज बन रही है, तो कोई एक को रखने से कम हो जाएगी। हाँ, तो अब बताओ कितना कितना डिग्री बनेगा, अगर यहाँ क्लोरीन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्लोरीन ऐड होगा तो ये कितना डिग्री बनेगा, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री बनेगा, यहाँ ऐड होगा तो ये 3 डिग्री बनेगा, इन दोनों में बनेगा तो ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो 4 पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, हम लोग ABCD 4 प्रोडक्ट्स देखते हैं। ठीक है, 4 प्रोडक्ट इधर से स्टार्ट करें, राइट से स्टार्ट करते हैं, तो CH3
CH, CH3, whole 2 भी लिख सकते हो आप लोग, CH2, CH2, CN. तो एक प्रोडक्ट ये जिसमें ये लास्ट वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्लोरीन से. ओके, आप लोगों को साउंड में प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, थोड़ा पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. बी नंबर, यहाँ पे CH3, CH, CH3, ये वाला रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन, CH, CL, CH3. तो देखो यहाँ एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन इंसर्ट किया, यहाँ पे देखो सी नंबर CH3, सी नीचे CH3 वैसे ही, यहाँ पे क्लोरीन ऐड होगा, ब्रैकेट में लिख दे रहे हम, और एक इन दोनों में से कोई भी जो पसंद आ रहा है वहां ऐड कर दो, CH2 CL, CH2 CL, CH, CH3, CH2 CH3, जस्ट मैच इट. यही सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इनके अलावा कोई प्रोडक्ट्स नहीं होगा. जिसमें बेस्ट होगा 3 डिग्री वाला, यानी सी प्रोडक्ट जो होगा इसमें 3 डिग्री बन रहा है, ये सबसे मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा इल्ड वाला होगा, सबसे ज्यादा अमाउंट यही वाला बनेगा. तो देखो ये वाला क्लियर हुआ है कि आपको ये रिएक्शन ध्यान से देखो. तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल हैलोजनेशन रिएक्शन, जिसमें क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होता है हाइड्रोजन को हटा के, और ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना एल्केन्स में ही होता है, सिर्फ एल्केन्स में ही होता है, यानी एलिफैटिक कंपाउंड में ही होता है. इसमें एरोमेटिक कंपाउंड में भूल से भी ये अगर दे दे तो चेंज मत कर देना क्लोरीन और यूवी लाइट के, सबसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं होगा. ठीक है, सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, पॉज करके लिख लो. सेकेंड प्रोसेस जिसमें हम लोग देखेंगे, सेकेंड प्रोसेस जिसमें हम लोग इसी का हाइड्रोकार्बन वाला ही का सेकेंड प्रोसेस, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रोफाइल आगे कोई पोजिशन में सब्स्टिट्यूट होगा, और ये हेलो एरिन में होगा. किसमें होगा? हेलो एरिन बनाने का तरीका है, हेलो एरिन फॉर्मेशन, ये हेलो एरिन बनाने का तरीका है. कैसे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, एक एग्जांपल देखते हैं. मान लो बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टोलुइन. क्या बोलते हैं? टोलुइन. ठीक है, मिथाइल बेंजीन को हम लोग बोलते हैं टोलुइन, मिथाइल बेंजीन. इसमें अगर हम लोग ऐड करें क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ Fe, माइंड इट, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ Fe दिए, अगर इसमें क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट देते तो कुछ और प्रोडक्ट आता. हम लोग क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ Fe, या आपको FeCl3 भी दे सकता है, ठीक है, एक लुईस एसिड देंगे और फिर डार्क कंडीशन में. तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, इस एलिफैटिक चीज को भूल जाओ, इस रिंग में ये जो पोजीशंस है, ये जो रिंग में ये जो पोजीशंस है कार्बन का, यहाँ में से कोई पोजीशंस में, ये सारे पोजीशंस में क्या ऑक्यूपाई है, अभी यहाँ सब जगह हाइड्रोजन है, अभी सब जगह क्या है, हाइड्रोजन. तो नाउ दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन. यहां से आपको एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, ये जो सारा चीज हम लोगों ने दिया है लुईस एसिड और क्लोरीन, इससे आपका एक इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है. उस इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस, क्या बन रहा है, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन लव कर रहा है. तो इन पोजिशंस में से क्लोरीन जुड़ेगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, चला जाएगा. तो कौन सा पोजिशन इलेक्ट्रॉन रिच होता है टोलुइन में, ये है ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा. तो कौन सा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होता है ऑर्थो मेटा पैरा में से, टोलुइन का जब रेजोनेंस होता है, जब हम लोग करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आता है, ऑर्थो और पैरा पे आता है. तो यहाँ क्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा एक ऑर्थो पे, और एक क्लोरीन आएगा, दो अलग अलग प्रोडक्ट पैरा, ठीक है, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है,
ये पैरा क्लोरो टोलुइन और ये ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। ठीक है, फोर क्लोरो टोलुइन, टू क्लोरो टोलुइन भी बोल सकते हैं, पैरा और ऑर्थो भी बोल सकते हैं। दिस इज मेजर क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, क्राउडिंग कम है, धक्का धुक्की कम है, सिमेट्रिकल है। तो याद रखना ये प्रोसेस अलग है क्या दिए हैं। इसी चीज में मैं अगर एक चीज बताती हूँ आपको, अगर हम लोग ये दे देते हैं, क्या बताइए, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट दे देते हैं, तो इन पोजीशंस को बिल्कुल भी टच मत कर देना भूल से, सिर्फ एलिफैटिक में ही हो सकता है अगर होगा तो एलिफैटिक वाला क्या बन जाएगा, CH2Cl, यहाँ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन आएगा। ठीक है, और जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड दिए हैं तो ये आरएच में सब्स्टिट्यूट होगा। अच्छा, ये ऑर्थो पैरा एक साथ मिलेगा जिसको हम अलग कर सकते हैं बाद में, दो प्रोडक्ट एक साथ ही बनता है, ऑर्थो भी बनता है पैरा भी बनता है, दोनों को अलग कर सकते हैं ड्यू टू देयर डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट अलग है। ठीक है, तो हम ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सिर्फ हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन ही कर सकते हैं, आयोडीन भी नहीं बना सकते, फ्लोरीन भी नहीं बना सकते। टिक कर लो ये लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शंस विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर यहाँ पे आयोडीन सब्स्टिट्यूट करना है तो यहाँ पे सिर्फ इस इन चीज सारी चीज़ों के साथ अगर आयोडीन ऐड करना है तो इन सब के साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड नहीं करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, फिर से टोलुइन बन जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तभी आयोडीन बनाने में सक्सेसफुल हो पाएगा ये रिएक्शन, नहीं तो नहीं होगा। तो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज HI फॉर्म ड्यूरिंग आयोडिनेशन। ठीक है, यहाँ से जो HI बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन रिमूव करके HI जो हो रहा है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए काम आ रहा है, अदरवाइज वो बैक कर जाएगा, फिर से आयोडीन प्रिपेयर कर देगा। और लास्ट फ्लोरो कंपाउंड्स तो हम प्रिपेयर ही नहीं कर सकते, फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। इतना ज्यादा रिएक्टिव है तो नहीं बन सकता, तो फ्लोरिनेशन हो सकता है, ब्रोमिनेशन हो सकता है आसानी से, आयोडीनेशन हो सकता है बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो ए और बी, ये दो रिएक्शन के आप लोग को एकदम दिमाग में घुस चुका है, घुस गया ये दिमाग में। तो ये वीडियो को मैं यहाँ पे, ये दो रिएक्शन आप लोग सीखो पढ़ो, फिर मुझे मैसेज करो कि अभी तक आप लोग कितना हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे सैंडमियर, फिर मार्कोनिक कफ, एंटी मार्कोनिक कफ, हैलोजन एक्सचेंज। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग आगे बढ़ते हैं, करते हैं आगे रिएक्शंस। ओके, अब हम लोग थर्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, थर्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सी नंबर हाइड्रोकार्बन से ही चल रहा है। कहाँ से बनाएंगे, फ्रॉम एनिलीन बोल दो या फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, इन दोनों में से कोई भी, क्योंकि एनिलीन से भी आपका आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इससे भी हम लोग जा सकते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे ये रिएक्शन, स्टार्ट करेंगे हम लोग एनिलीन से। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन ग्रुप के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगाया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। इस एनिलीन से हम लोग बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। कैसे, थोड़ा कोल्ड कंडीशन में प्रिपेयर होगा, ठंडे में 0 to 5 degrees centigrade में, अगर 0 to 5 degrees centigrade में अगर NaNO2 प्लस HCl का अगर मिक्सचर दिया जाए, HNO2 नाइट्रस एसिड, NaNO2 और HCl का अगर मिक्सचर दिया जाए, NaNO2 HCl वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 0 to 5 degree में, तो हमारा बनके तैयार हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम, N2 इज अ डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड क्योंकि HCl दिया है, तो दिस इज अ सॉल्ट, बेंजीन बी डाइजोनियम डी क्लोराइड BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC बन गया, सॉल्ट है, दिस इज अ सॉल्ट प्लस माइनस। अब इस BDC में से हम लोग क्या बना सकते हैं,
ये जो बीडीसी बना, इस बीडीसी से हम लोग क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। क्या है इसका मेथड का नाम? सैंडमेयर, सैंडमेयर। ठीक है, आप लोग ये एमीन्स में भी ये फिर से दोबारा रिएक्शन पढ़ोगे। तो क्या बना? बीडीसी। बीडीसी में अगर हम लोग ऐड करते हैं CO2Cl2 या CO2Br2 या COCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl या COBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr। ठीक है, तो मेरा बीडीसी से क्या बन जाएगा? पहले मेथड में क्लोरोबेंजीन बनेगा, सेकेंड मेथड में ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो ब्रोमोबेंजीन भी बन गया यानी हेलो एडिंग, और क्लोरोबेंजीन भी प्रिपेयर हो गया। देख लो तरीका किस तरह से बना, नाइट्रोजन सॉल्ट से साथ में इनटू गैस लिबरेट हो रहा। पेज नंबर 288 में जा रही हूँ मैं। तो डाइजोनियम ग्रुप रिप्लेस हो गया, रिप्लेस हो गया क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। अब आप बोलोगे मैम हाइड्रोबेंजीन नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। हाइड्रोबेंजीन भी, हाइड्रोबेंजीन के लिए जस्ट KI दे देंगे, पोटेशियम आयोडाइड, थोड़ा वार्म तो वो बन गया हाइड्रोबेंजीन। ओके, आप बोलोगे फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता, बिल्कुल फ्लोरोबेंजीन भी बनता है, बट ये आपके इस NCERT बुक में नहीं, सब में केंचू गैस लिबरेट हो गया। बिल्कुल बनता है फ्लोरोबेंजीन, दो स्टेप में बनता है। सबसे पहले HBF4 देखे N2 प्लस BF4 माइनस, क्लोरीन रिप्लेस्ड बाय टेट्राफ्लोरो बोरेट, बोरेट बनाए, फिर इसको अगर हीट करेंगे तो मेरा बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। यह आपका आमीन चैप्टर में दिया हुआ, इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये तीनों तो इसी चैप्टर में है। ये एक पढ़ने में आपको एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पढ़ी लीजिए। एडजस्ट बीडीसी से कैसे क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन हाइड्रोबेंजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एनिलीन से आए तो भी ये लॉन्ग प्रोसेस है, बीडीसी से आए तो भी आपको याद होना चाहिए, फटाफट से कंप्लीट करो। सेकेंड प्रोसेस हम लोग देखेंगे एल्कीन के थ्रू, एल्कीन से कैसे। तो ये सारे हाइड्रोकार्बन वाले फिनिश हो गए अपने। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पानी वाली पी लो। सारी उम्र हम पढ़ पढ़ के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो, सनशाइन। तो हम लोग अब करते हैं डी वाला फ्रॉम एल्कीन, कहाँ पढ़ पढ़ के, अभी तो और पढ़ाई बाकी है काफी। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से बनाएंगे, क्या चीज बनाएंगे? एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाएंगे। ठीक है, हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन। तो एल्कीन से हम लोग, एल्कीन में होता रिएक्शन क्या है? एल्कीन में रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन होता है, एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक एल्कीन लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन इथीन, इस इथीन में HI डाल दो, बस सिंपल HI, HBr, ठीक है, HI, HBr, HCl कुछ भी डाल दो। दो कार्बन एल्कीन के पास में, जो दो कार्बन है, एक में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक में आयोडीन जुड़ जाएगा, काम खत्म। एक में हाइड्रोजन, एक में आयोडीन, काम खत्म। आप इसमें भी आयोडीन जोड़ सकते थे, इसमें भी हाइड्रोजन जोड़ सकते थे, इसमें आयोडीन, इसमें, नो प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है एल्कीन के पास में जो दो कार्बन है, इन दोनों में सेम सेम हाइड्रोजन ग्रुप है, दोनों में सेम सेम हाइड्रोजन, H2H2, सिमेट्रिकल। अगर एल्कीन को यहां से देखा जाए, यहां देखा जाए, द एनवायरमेंट इज सेम, ठीक है, तो दिस इज सिमेट्रिकल, नो प्रॉब्लम। बट व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो आ जाएगी कुछ नई बात। अनसिमेट्रिकल एल्कीन देखिए, जो समझ आएगा, एल्कीन
डबल बॉन्ड, इधर एनवायरमेंट अलग, इधर एनवायरमेंट अलग, तो दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्किन। इसमें अगर एच आई या एच बी आर एड करेंगे, दिस इज हैलोजन एसिड, हैलो एसिड, तो इसमें रूल फॉलो करना पड़ेगा, मार्क रूल। क्या रूल? मार्क, पूरा नाम है मार्कोनिकोफ, मार्कोनिकोफ रूल। रूल ये बताता है कि जो ऐड हो रहा है, ये चीज ऐड हो रहा है ना इसमें, जो ऐड हो रहा है उसका जो नेगेटिव पार्ट है, जो ऐड हो रहा है उसका जो नेगेटिव पार्ट है, एक एच प्लस एक एच आई माइनस, जो नेगेटिव पार्ट है, दिस इज नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिशन एडेंडम, जो ऐड हो रहा है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन। आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द एल्कीन। हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल ऐड टू दैट कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सी इट कंटेन ओनली वन हाइड्रोजन, इट कंटेन टू हाइड्रोजन, सो दिस आयोडीन विल ऐड टू द लेसर हाइड्रोजन, दैट इज सेकेंड कार्बन। तो आयोडीन इसमें ऐड कर दो, सी एच थ्री सी एच, इसमें आयोडीन ऐड हो जाएगा और लास्ट कार्बन में ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, सी एच टू की जगह सी एच थ्री, बन गया ना हैलो एल्केन टू आयोडोप्यूरोपेन। क्लियर? ये है मार्क रूल, सिंपल एच आई जब दे दे एल्कीन में। सिमिलरली इसके साथ एक करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, माइंड इट। इसमें अगर एच आई के संग एक चीज ऐड कर देते हैं, ब्लू पेंसिल लिख के, नहीं तो दिखाई नहीं देगा, अगर इसमें ऐड कर देते हैं परऑक्साइड, एनी टाइप ऑफ परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजोइक परऑक्साइड, एनी टाइप ऑफ परऑक्साइड, देन द सिचुएशन चेंजेस। तो सिर्फ एच आई में मार्क, लेकिन एच आई के संग परऑक्साइड दे दिया तो हम करेंगे एंटी मार्क, एंटी मार्क, एंटी मार्कोनिकोफ, एंटी मतलब उल्टा, मार्क का उल्टा। तो अब इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन में जाएगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, जस्ट उल्टा। क्या बता रही हूं, क्लियर हो रहा है? एंटी मार्क में क्या होगा, जो ऐड हो रहा है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा, इन दोनों में से उस कार्बन के पास जाएगा जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी इसमें। इसका मैकेनिज्म 11 में किए थे, लेकिन मैं 11 की बातें सब भूल जा रही हूँ। मैं यही समझ रही हूँ कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो बच्चा ध्यान से पढ़ो। आयोडीन उस कार्बन के पास जाएगा जिसमें ग्रेटर हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन इसके पास चल जाएगा, तो ये सी एच की जगह सी एच टू हो गया, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ आयोडीन, तो यहाँ वन आयोडोप्रोपेन, यहाँ टू आयोडोप्रोपेन। क्लियर? लिख लो, ये है वन आयोडोप्रोपेन और ये है टू आयोडो प्रोपेन, राइट डाउन। मार्क एंटी मार्क एल्कीन का हो गया। ये सब मेजर प्रोडक्ट्स लिखाई हूं मैं। अब एल्कीन का एक और बाकी रह गया, लास्ट एडिशन ऑफ हैलोजेंस, बी नंबर एल्कीन का एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। मैं पूरी एनसीईआरटी आप लोगों को करा रही हूँ लाइन टू लाइन, ठीक है? इसमें क्या करना है, जो एल्कीन है उसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, रिएजेंट याद रखना नहीं तो भूल जाओगे। इससे सिंपल रिएक्शन है, सिंपल। ये जो ब्रोमीन है ये जाके दोनों डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन के पास एक एक लग जाएगा, यानी एक इसके पास जाएगा ब्रोमीन और एक ब्रोमीन जाएगा इसके पास, सिंपल। दोनों एडजेसेंट ब्रोमीन प्रोड्यूस होंगे, यानी इसको बोलते हैं विक, विसिनल, पास पास में विसिनल डायब्रोमाइड, पास पास के दोनों कार्बन में ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे। क्लियर रिएक्शन, एकदम सेम सिमिलर, वेरी सिंपल रिएक्शन। इस ब्रोमीन का जो रेडिश कलर है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, जैसे ही एल्कीन में गिरता है, एल्कीन या एल्काइन में गिरता है, ये कलरलेस हो जाता है, ये अपना रेडिश ब्राउन कलर फेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू डिटेक्ट
ये डिटेक्ट क्या करता है, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी करता है, यानी अगर कलरलेस हो गया तो डबल बॉन्ड है मेरा कंपाउंड, अगर कलरलेस नहीं हो तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, डबल बॉन्ड डिटेक्शन के काम आता है. लिख लो ये रिएक्शन अभी हो गया. लास्ट हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करेंगे तो प्रिपरेशन सारी कंप्लीट हो जाएगी. हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो रिएक्शन आएगा. लास्ट हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसके अंदर दो रिएक्शन आएगा. एक आएगा फेंकल स्टेन रिएक्शन और एक आएगा स्वार्ट्स रिएक्शन. ठीक है, फेंकल स्टेन और स्वार्ट्स. फेंकल स्टेन में रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं NaI एसीटोन, ड्राई एसीटोन. दिस इज रिएजेंट, वी आर यूजिंग रिएजेंट. और इसमें हम लोग यूज करते हैं कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स. इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स हो गया AgF, मरकरस फ्लोराइड, कोबाल्ट के सम, एंटीमोनी फ्लोराइड. ठीक है, तो ये सारे हम लोग इसमें ऐड करेंगे. वेरी इजी, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. करना क्या है, एक कोई भी RX से स्टार्ट करेंगे, ब्रोमीन ले लो चाहे कुछ भी ले लो, उसमें NaI ड्राई एसीटोन ऐड कर दो. रिएक्शन में जस्ट एक्सचेंज करना है, हैलोजन एक्सचेंज. नाम देखो, आयोडीन ब्रोमीन की जगह लेगा, ब्रोमीन आयोडीन की जगह लेगा. चूंकि फिंकलस्टेन में NaI दे रहे हैं तो हमारा आयोडो एल्केनी बनेगा. ठीक है, आयोडो मीथेन बन गया, अलग हो गया NaBr. दिस इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमीन आयोडीन एक्सचेंज. उसमें भी वही करना है लेकिन उसमें फ्लोरो एल्केन्स बनेगा. AgBr ले लो, कोई भी ले लो, AgF डालो, एक्सचेंज CH3F, AgBr अलग प्रॉपर्टी. तो इसमें भी एक्सचेंज लेकिन इसमें फ्लोरो एल्केन्स आर मेजर कंपाउंड, इसमें आयोडो एल्केन्स आर मेजर कंपाउंड. बोथ आर प्रोसीडेड बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस हो रहा है दोनों में. देखो क्लियर हुआ क्या, मैंने बहुत सिंपल तरीके से एरो बांध के ये दोनों रिएक्शन समझा दिया. ठीक है, दोनों में एक पीपीटी गिर रहा है, इसमें NaBr का उसमें AgBr का, जिसके कारण रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही है, बैक रिएक्शन नहीं जा रही है. क्लियर, तो आज की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं. अगला दिन मिलते हैं केमिकल रिएक्शंस के साथ. SN1 SN2 का वीडियो अपलोडेड है बच्चा, इसके प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, हेलो एल्केन्स की वीडियो सर्च करो, सब मिल जाएगी. ओके, अगला दिन मिलते हैं. वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, क्या क्या वीडियोज चाहिए. आज तक इतना ही, थैंक यू.